नमस्कार, बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो हमेशा आपके लिए नई नई कहानियां, नए नए उपन्यास लेकर आता है। बुक ऑडियो का हमेशा ये प्रयास रहा है कि वो आपको ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियां सुनाए। आज भी बुक ऑडियो आपके लिए लेकर आया है अखलाक अहमद जई द्वारा लिखित सोखता, अजय सिंघल की आवाज में। एक स्थानीय साप्ताहिक पत्र में नया नया लिखना शुरू किया है, इसलिए दैनिक अखबार के विज्ञापनों में रुचि बढ़ गई है। अखबार उठाते ही मैंने सारे विज्ञापनों पर एक सरसरी नजर डाली। मेरे लायक कोई विज्ञापन नजर नहीं आया तो पहले पेज का कवरेज देखने लगा। दैनिक अखबारों से कुछ दोस्त जुड़े हैं, किसी नाते पत्रकारिता के कुछ टेक्निकल शब्द जान गया हूं। मैं अखबार के प्रथम पेज के समाचारों को अपने ढंग से वजन करने लगा, लेकिन फर्स्ट लीड व 3C में कोई बुनियादी फर्क नहीं कर पाया, तो अंदर कुछ झुंझुलाहट सी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि साप्ताहिक और दैनिक में काफी अंतर होता है। मैं डॉक्टर की तरफ मुखातिब हो गया। उस दिन किसी कागज पर दस्तखत करवाया था। डॉक्टर सादिक ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक मरीज की बांह पर स्ट्रैप लपेट रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और हल्का सा सिर हिलाकर फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट स्ट्रैप का हुक फंसाने लगा। मैं चुपचाप इंस्ट्रूमेंट मीटर देखता रहा। दिल में आया डॉक्टर को टोक दूं कि इसका इस्तेमाल करके तुम लोग मरीजों को गुमराह क्यों करते हो? मोटे ताजे आदमी को लो बता देता है और पतले दुबले को हाई। आज तक सुनने में आया ही नहीं कि इस पर किसी की रक्तचाप सही उतरी है, लेकिन किसी के पेशे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यही सोचकर मैं चुपचाप बैठा रहा। हर मरीज की अपनी मानसिकता होती है, हो सकता है सामने वाले के दिमागी फितूर का यही इलाज हो। मैं अखबार में कोई रोचक समाचार ढूंढने लगा, लेकिन दिल सादिक के जवाब में ही अटका रहा। अचानक ख्याल आया कि मकान में ताला लटक रहा है, लेकिन फिर निश्चय कर लिया कि उसके बारे में नहीं पूछूंगा, नहीं तो उसी दिन की तरह बेवकूफ बनना पड़ेगा कि मेरे द्वारा देखे गए दरवाजे पर लटकते ताले को कंपाउंडर आकर बताएगा कि खुला तो है। सादिक ने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर मरीज को थमा दी, बोला दवा लाकर मुझे दिखा देना। फिर उसने मेरी तरफ देखा। इतने दिन कहां थे? मरीज रुक गया। क्या कहा डॉक्टर साहब? नहीं, तुमसे नहीं, तुम जाओ। पेट में गुदगुदी सी महसूस हुई, दिल हुआ हंस दूं, लेकिन वक्त की नजाकत देखकर हंसी घूट गया। आजकल अंग्रेजी की ऐसी तैसी करने पर तुला हूं, मास्टर के जाते जाते 9 बज जाते हैं, इसलिए सीधा घर भाग जाता हूं। मकान में ताला लगा है, देखा? मैं पूछने वाला भी था, सब लोग कहां गए? सादिक ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर खड़ा हो गया। आओ पीछे चलकर बैठते हैं। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। सादिक सिगरेट का पैकेट उठाकर माचिस ढूंढने लगा। आगे बढ़ते हुए मैंने कंपाउंडर को पुकारा, राजेश जरा चाय बोल देना, अच्छी चाय बनवाना। पता नहीं वो उठा था भी या नहीं कि सादिक ने भी आवाज दी, राजेश जो पेशेंट अभी दवा लेने गया है वो आए तो अंदर भेज देना। हम दोनों पीछे वाले कमरे में आ गए। अंदर कालीमा फैली थी। सादिक ट्यूबलाइट और पंखे का स्विच ऑन करके कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं पहले से ही बैठ चुका था। ट्यूबलाइट लोड नहीं उठा रही थी, दुप दुप करके बुझ जाती। पता नहीं चोक कमजोर था या पावर सही नहीं था। काफी देर तक दुब दुब करती रही तो मैंने उठकर ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ कर दिया और बल्ब जलाकर बैठ गया। सादिक कुर्सी के दोनों हाथों पर कुहनी टिकाए, पंजे को आपस में कसे पंजों के अंगूठों पर सिर टिकाए, आंखें बंद किए बैठा था। अचानक हंसने लगा तो उस रहस्यमयी माहौल से मैं डर गया। अहमद ने तलाक दे दिया, सुनकर बड़ा अजीब लगा, मन कसैला हो गया।
यार इतना कुछ जान लेने के बाद भी उस आदमी को मैं समझ नहीं पाया। बाल की गांठ को तो खोला जा सकता है पर पेचक धागे की गांठ को नहीं। मुझे तो लगता है कि वो पेचक धागे की ही गांठ है। सादिक के चेहरे पर छाई खुशी की लालिमा से साफ लगता था कि वो मेरी बात के प्रत्युत्तर में कुछ कहना नहीं चाहता। ये स्थिति आई कैसे, मैंने पूछा तो वो आदतन काफी देर तक चुप रहा। फिर बोला, शराब तो वो पीता नहीं है लेकिन एक दिन पहले पीकर आया। पता नहीं वो नाटक कर रहा था या वाकई ज्यादा चढ़ गई थी। मैंने गफलत की स्थिति में देखा तो नींबू वींबू पिलाई, ठीक हुआ। दूसरे दिन तुलसीपुर से लौट कर आया, मैं घर में मौजूद था। दरवाजा खुला था लेकिन वो हमेशा की तरह दरवाजे पर दस्तक देकर थोड़ी देर वहीं बाहर खड़ा रहा, फिर अंदर घुसा। आते ही मुझसे लिपटकर रोने लगा कि तुम हमारे बड़े भाई हो, तुमने कल हमारी जान बचा ली वगैरह वगैरह। बच्चे सो चुके थे, मैं और तबस्सुम उसका खाने पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने जोर देकर मेरे साथ तबस्सुम को खाने के लिए बिठा दिया और खुद मुंह हाथ धुलने चला गया। लौटते ही उसे पता नहीं क्या हुआ, तबस्सुम पर जोर से चीख उठा, उठो यहां से। वो डर गई और खड़ी हो गई। ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी लेकिन उसने मुझसे कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहे करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। सादिक थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अच्छा, हमारी जगह तुम होते तो क्या करते। देखो डॉक्टर, तुम्हारे इस रिश्ते से मैं शुरू से ही आशंकित रहा हूं और आज भी हूं। सादिक मीठी सी हंसी हंसा। खैर, मैंने उससे कहा कि हमारा इसका जो रिश्ता है वो तुम 2 साल से जानते हो, जानते ही नहीं उसमें बराबर के शरीक भी हो। मैं अगर आज चाहूं तो इससे कोर्ट में शादी कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी शराफत है कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब अफरोज, तुम्हें ताज्जुब होगा कि उसने अपने सामने अपनी बीवी को मेरे साथ सुलाया है। ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब ये शख्स मेरे साथ सुला सकता है तो इसे तीसरे या 10वें के साथ सुलाने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। उसी वक्त मैंने तय किया कि अब तबस्सुम को इससे छुटकारा दिला ही देना चाहिए। मुझे हंसी आ गई। तलाकनामा उसने वकील के जरिए खुद बनवाया है, मैंने तबस्सुम को उसके बाप के हवाले कर दिया है और ये भी कह दिया है कि मैं तबस्सुम से शादी करने के लिए तैयार हूं। गुद के बच्चे को छोड़कर बाकी 3 को अहमद खुद ले गया अपने साथ। इसका मतलब है तुमने उसकी बीवी छीन ली है, ना कि उसने तलाक दिया है। अफरोज, हमारी सारी इच्छाएं तबस्सुम पर ही आकर खत्म हो जाती हैं। उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे लगा हम लोग बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, एक ओढ़ी हुई जिंदगी जहां ना तो खुलकर इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है और ना ही दूसरों को छूट दी जा सकती है। सादिक इच्छाओं की पूर्ति करना सीख गया है। वो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कलंक हो सकता है लेकिन अपने व्यक्तित्व के साहस में सहायक नहीं हो सकता। एक लड़का चाय लाकर रख गया था। मेरा ख्याल था कि चाय काफी देर से रखी है इसलिए ठंडी हो चुकी होगी, लेकिन ज्यों ही मैंने चुस्की ली लगा मुंह में अंगार भर गया है। उगलने पर फर्श के साथ साथ कपड़ा भी खराब हो सकता था इसलिए जल्दी से घूंट गया। हलक तक लगा, किसी ने गर्म सलाख से लकीर खींच दी है। मुंह एकदम फीका फीका हो गया, चाय पीने की इच्छा बिल्कुल मर गई। मैंने कप टेबल पर रख दिया। सादिक अपना कप उठाने के लिए बढ़ा तो मैंने दूर से ही हाथ बढ़ाकर रोकते हुए कहा, आए चाय बहुत गर्म है। लेकिन उसने कप उठा लिया और हाथ में काफी देर तक टांगे रहा बिना होंठ से लगाए। इसका असर तुम्हारे प्रोफेशन पर पड़ेगा, मैंने कहा। नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि डॉक्टर मैं पहले हुआ हूं, मजनू बाद में।
अचानक माहौल खुशगवार हो गया। हम दोनों हंस पड़े। अपनी डायरी दोगे? दोबारा पढ़ना चाहता हूं। सादिक कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर शून्य में देखता रहा, फिर धीरे से कप टेबल पर रखकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर लटकते पर्दे के पीछे किसी की रुकती हुई परछाई देखी तो सोचा सादिक होगा, लेकिन पर्दा खिसकाकर राजेश घुसा। उसके हाथ में डायरी थी। उसने आकर टेबल पर डायरी रख दी और बिना बोले जाने लगा। तो मैंने पूछा, डॉक्टर कहाँ है? वो हल्का सा ठिठका, फिर चल दिया। बोला, मरीज देख रहे हैं। ये उसकी हमारे प्रति बेरुखाई थी या काम की जल्दी, मैं समझ ना सका। उसकी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं डायरी उठाकर खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूं, डॉक्टर को बता देना। अच्छा। वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके अच्छा से मन का कलेश और बढ़ गया। मुझे लगा यदि मेरे और उसके बीच डॉक्टर की दोस्ती की दीवार ना होती तो शायद बड़ी बेइज्जती के साथ वो मुझसे वहां से चले जाने के लिए कह देता। मैं क्लिनिक से निकलकर सड़क पर आ गया। मुझे तलाक की बात फिर कचोटने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन वर्कशॉप से मुझे सादिक ने जरूरी काम कहकर राजेश से बुलवाया था। सादिक अहमद के यहां ही रह रहा था। मेरे पहुंचने से पहले अहमद, सादिक और वकील घर में मौजूद थे। अहमद ने अपने कान में लगाकर रखे पेन को निकाल कर दिया था और सादिक ने मुझसे एक कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा था। मुझे यह भी अच्छी तरह याद है कि सादिक ने उस कागज को पूरी तरह मोड़कर दस्तखत करवाया था ताकि मैं कुछ पढ़ ना सकूं। उसने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दोस्तों के बीच शक की गुंजाइश नहीं रखता, इसलिए दस्तखत ना करने का सवाल ही नहीं उठता था। मेरे बाप ने ऐसी कोई जायदाद भी नहीं छोड़ी है जिसके लिखा लेने का डर होता। फिर सभी की मौजूदगी में मैं गवाह बन रहा था। घर के माहौल से किसी अशुभ का संकेत भी नहीं मिला था। फिर मैटर पूछकर किसी को अविश्वासी क्यों बनाता? मुझ में तलाक से पहले और बाद की स्थिति डायरी के माध्यम से स्पष्ट कर लेने की उत्सुकता बड़ी तेजी से जागी। मन हुआ उड़कर घर पहुंच जाऊं। इस तरह की उत्सुकता मुझ में अक्सर उभर आती है। उस वक्त लगता है कि यदि इसी क्षण मैं ये काम नहीं करूंगा तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। वही जल्दबाजी फिर पनपाई और लगने लगा कि अगर इस वक्त मैंने नहीं पढ़ा तो डायरी के वे सारे शब्द सरक कर कहीं गिर जाएंगे जिन्हें ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। मैं नहीं चाहता था कि रास्ते में ही कोई नई बात दिमाग में घुस आए और मैं अपने केंद्रित विषय से भटक जाऊं। रास्ते में कोई भी मिल सकता था, इसी डर से मैंने रिक्शा कर लेना ज्यादा मुनासिब समझा। रिक्शे का ख्याल आते ही अपनी जेब पर हाथ मारा। सारा जेब टटोलने के बाद कुछ पैसे हाथ लग ही गए। एक खाली रिक्शा बगल से निकला तो मैंने उसे आवाज दी। उसने एक बार मुझे देखा, फिर सीधा हो गया। खाली नहीं है। मन हुआ कि एक भद्दी सी गाली दे डालूं। पता नहीं क्यों आजकल रिक्शा वाले लेडीज सवारी को ही प्राथमिकता देते हैं। मुझे लगा लड़कियां सप्लाई करने वाले गैंग में रिक्शा वाले ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब बिना किसी पुरुष के औरतों का रिक्शे से चलना खतरे से खाली नहीं है। रिक्शा वाला थोड़ी दूर गया, फिर लौट आया। कहां चलना है? मन हुआ कह दो तुम्हारी बीवी के पास, लेकिन चुप रहा। सामने से आते दूसरे खाली रिक्शे को इशारे से रोक कर बैठ गया। बोला, मोड़ लो। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने घूम कर देखा, वो रिक्शा वाला अभी भी वहीं खड़ा हमारी तरफ ही देखे जा रहा था। मेरी उपेक्षा शायद उसे अंदर तक झकझोर गई थी।
मुझे खुशी हुई, साले इसी लायक हैं। मैंने दोबारा घूम कर देखा, वो अब भी बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ा आ रहा था। मैं डर गया, लेकिन फिर अपने को संयमित कर लिया। सोचा, यदि वो जरा भी चीं चुपड़ करेगा तो सीधा झापड़ मारूंगा। पहले वार करने वाला ही विजेता है, ऐसा मैंने सुन रखा था। उसी सुने हुए फॉर्मूले पर चलने के लिए मैं अपने आप को तैयार करने लगा। अचानक पीछे वाला रिक्शा सर सराता हुआ आगे निकल गया। उसका रिक्शा जब काफी दूर निकल गया, तब मैं मुस्कुरा उठा। मुझे लगा शायद वो दिखाना चाह रहा था कि जिस पर तुम बैठे हो, मैं उससे बहुत पहले मंजिल तक पहुंचा सकता था। मैंने घर से थोड़ी दूर पहले ही रिक्शा छोड़ दिया। यहां से मैं पैदल ही घर जाना चाहता था, ताकि जामीन को देख सकूं। सोचा, वो दिख जाए तो उसके यहां दो पल रुकता चलूं। उसे देखकर मन की सारी बोझिलता समाप्त हो जाती है। उसमें ना जाने कैसी कशिश है, जिसे आज तक मैं शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सका। जामीन का ख्याल आते ही उसका होंठ तिरछा करके बात करने की अदा आंखों में उभर आई। लेकिन वो आज तक मुझे एक पड़ोसी ही समझती है, बेवकूफ। जामीन नहीं दिखी तो मन बोझिल हो गया। मैंने कोशिश की कि इस बात को मन पर ज्यादा हावी ना होने दूं। मैं अपने आप को डायरी में उलझाने लगा। पृष्ठ पलटते ही पता चल गया कि मेरे पढ़ने के बाद सिर्फ एक बार डायरी लिखी गई है। मैंने बिना पढ़े फिर डायरी बंद कर दी। घर पहुंचा तो आपा बैठी हुई थी। मुझे देखकर लगा वो बेजरूरत हाथों के पंखे से खेलने लगी। बोली कुछ नहीं। मुझे लगा कुछ कहना चाहती हैं। उस बात को बिना पूछे सूंघने की गरज से मैंने इधर उधर नजरें घुमाई। बावर्ची खाने में कोई रौनक नहीं थी। मैंने अंदाजा लगाया कि खाना नहीं पका है। फिर ख्याल आया कि सुबह ही आपा ने लकड़ी और दाल ना होने की बात कही थी। लकड़ी नहीं है, मैंने पूछा। दाल भी नहीं है। मन झुंझला उठा। अभी परसों ही बनिया का उधार होकर आया हूं। पिछला चुकता किए बिना फिर उधार मांगने किस मुंह से जाऊं? लकड़ी तो आ भी सकती है, पर दाल कैसे? बाप जान को तो जैसे इन बातों से कोई वास्ता ही नहीं रहता। लगता है वो घर में रहते ही नहीं है। तवा उल्टा है, लेकिन इतना भी ना हो सका कि पूछ तो ले। अम्मा के ऊपर भी गुस्सा आने लगा। छोटा भाई थोड़ा बहुत खर्चे में हाथ बटा लेता था। 10 दिन हो गए हैं, अपने साथ गोरखपुर ले गई थी, अभी तक नहीं लौटी। लगता है अम्मा मेरे लिए लड़की ढूंढकर ही दम लेंगी अब। आपा मुस्कुरा दी। लड़की क्या ढूंढ रही होंगी, भाई साहब ने रोक लिया होगा। मैंने निश्चय किया कि अब्बा से बेशर्मी कुछ मांगना ही पड़ेगा। मैं बढ़ने की सोच ही रहा था कि पदचाप सुनाई दी, तो मैं ठहर गया। अब्बा आकर कोने में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। अब्बा घर के माहौल को परखने की कोशिश करने लगे। एक बार मेरा चेहरा भी निहार लिया। हम लोगों की चुप्पी ही शायद घर के माहौल को खराब कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उनके पूछने से ना उम्मीद होकर पहल मैंने ही की। अब्बा, कुछ पैसा दीजिए, दाल लानी है। उन्होंने पल भर कुछ सोचा, फिर सामने की ऊपरी जेब से टटोल कर 10 का नोट हमारी तरफ बढ़ा दिया। बोले कुछ नहीं। हाथ में नोट लेते ही मैंने सोच लिया कि अब इसमें से लौटाना नहीं है। कम से कम 2 वक्त की रोटी से बेफिक्री का इंतजाम कर ही डालना चाहिए। मैं थैला लेकर बाहर निकल गया। सोचा, पहले पिछला पैसा अदा कर दूंगा, फिर नए उधार की बात करूंगा। बनिए की दुकान पर काफी भीड़ थी, इसलिए लेन देन की बात करते झिझक महसूस हुई। मैं चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार दूसरे ग्राहकों को निपटाता रहा, लेकिन इस बीच
उसने एक बार भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा उसकी नजर में मैं फिर उधार ही मांगने आया हूं, लेकिन मैं जानता था कि बनिया की उपेक्षा और दरियादिली सिर्फ पैसे में ही होती है। पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए भाग 2।